प्यारे दोस्तों, आप सभी का विक्की की पाठशाला में एक बार फिर तहे दिल से स्वागत। पिछला वीडियो में मैंने आपको MCQ जो क्वेश्चंस होते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं, उसके मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में या आप प्लेलिस्ट में जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाए थे और आप सभी ने काफ़ी पसंद भी किए, तो इसी वजह से मैं अब सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ MCQ का, जिसमें मैं 11 से लेकर 24 तक क्वेश्चन समझाऊंगा जल्दी जल्दी, और साथ में आपको इसके बेस के बारे में जरूर बताऊंगा, भले इसका अगला पार्ट भी बन जाए, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर बताना मेरा मतलब उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपको इसको समझाना, और अगर विक्की की पाठशाला आपको समझाने में, इकोनॉमिक्स को कुछ भी पढ़ाने में मतलब सफल रही है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और विक्की की पाठशाला को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी ना भूलें, और विक्की की पाठशाला का सपोर्ट करें, ताकि मैं भी आपको और अपने भारत को बच्चों के लिए मैं काफ़ी हद तक वीडियो बनाऊं। अगर आपका सपोर्ट रहता है तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा। इस वीडियो को भी कम से कम 500 लाइक तक तो ज़रूर पहुंचा देना मेरे दोस्तों, आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 11वां क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11वां। सबसे पहले हम देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, चार ऑप्शन पढ़ते हैं, इसकी डीप नॉलेज बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कैसे उत्पादन किया जाए की समस्या से संबंधित है, मैंने पहले ही बता दिया था, 10वें क्वेश्चन में ही बता दिया था। तो देखिए, आय का कारक वितरण, तकनीक का चयन, उत्पादन का चयन, और इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप जानते हो कि मैंने बताया था कि केंद्रीय समस्या क्या होती है, जो पूरे देश की समस्याएं होती हैं, जो पूरे देश की, पूरे सभी राज्यों की और सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेशों की। अगर भारत की बात करें, भारत के 29 राज्य और 7 केंद्र शासित हैं, तो टोटल होते हैं 36 भूभाग खंड। तो टोटल जो हर एक राज्य की और हर एक केंद्र शासित प्रदेश की समस्या है, उसे हम केंद्रीय समस्या कहेंगे, जिसको सुलझाने का काम किसका है, केंद्र सरकार का। केंद्र समस्या कौन सुलझाएगी, केंद्र सरकार, जो कि अभी बीजेपी की। आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब उस वो 5 तरीके के मैंने बताया था, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, संसाधनों का पूर्ण उपयोग कैसे किया जाए, और संसाधनों का विकास कैसे किया जाए। तो अब यहाँ पे पूछी गई है दूसरी, कैसे उत्पादन किया जाए। देखिए, हम पहली समस्या में यानी क्या उत्पादन किया जाए में ये निर्णय लेते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं बनानी है, कौन कौन सी वस्तुएं नहीं बनानी है, कौन कौन सी सेवाएं बनानी है, कौन कौन सी नहीं बनानी है। क्यों भाई, संसाधन कम है ना, क्योंकि संसाधन तो अनलिमिटेड नहीं है ना, संसाधन तो सीमित है ना, और उनका वैकल्पिक प्रयोग भी है, और जो हमारी आवश्यकता है वो असीमित है। इसलिए भैया हमें सोचना पड़ता है क्या वस्तुएं बनाएं, क्या ना बनाएं। अगर मान लीजिए आपके घर में 1 किलो आटा गूंद रखा है, मान लीजिए आपने, और आपको उससे सिर्फ रोटी बनानी है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर पराठे बनाने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर पूड़ियाँ बनानी है तो भी दिक्कत नहीं है। पर मान लीजिए आपको तीनों बनाने हो, तो भाई सिंपल सी बात है, फिर आपको चयन करना पड़ेगा, कितने आटे से मैं रोटी बनाऊँ, कितने आटे से मैं पूड़ी बनाऊँ, और कितने आटे से मैं पराठे बनाऊँ। तो देखिए, चयन की समस्या वहीं उत्पन्न होगी जहाँ पर दुर्लभता होगी और वैकल्पिक प्रयोग होगा। आपको ये बात समझ में आई होगी। अब कैसे उत्पादन किया जाए, ये जो समस्या है ये मुख्य रूप से वस्तुओं तथा सेवाओं के तकनीक के चयन से संबंधित है। पहली जो समस्या होती है वो होती है हमारी जो संबंधित वस्तुओं के चयन से संबंधित, वस्तुओं तथा सेवाओं के चयन से संबंधित, यानी उनके उत्पादन के चयन से संबंधित। अच्छी तरीके से बोला जाए तो हम बोलेंगे कि वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन के चयन से संबंधित, कौन कौन सी बनानी है, कौन कौन सी नहीं बनानी है, और फिर बाद में ये डिसाइड करना कि कितनी मात्रा में बनानी है। ये भी बात, दो निर्णय लेने पड़ते हैं पहली समस्या में, कौन कौन सी बनानी है, कौन कौन सी नहीं बनानी है, फिर कितनी मात्रा में, दो निर्णय लिए जाते हैं। जबकि कैसे उत्पादन करें, ये जो समस्या है इसमें हमने पहली समस्या में डिसाइड कर लिया ये वस्तुएं बनानी है, ये वस्तुएं नहीं बनानी है, ठीक है, इतनी इतनी मात्रा में बनानी है। अब हम देखते हैं तकनीक। अब ये समझिए कि तकनीक क्या होती है, काम करने का तरीका या उत्पादन करने के तरीके को हम तकनीक कहेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, मैं फेस में पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको स्काइप के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको मोबाइल ऐप के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, मैं वेबसाइट के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। तो देख रहे हो, पढ़ाना एक उत्पादन है या एक क्रिया है, बट उसको करने के भिन्न भिन्न तरीके हैं।
तो यही चीज कहलाती है तकनीक। तो तकनीक क्या होती है? किसी भी वस्तु या सेवा को उत्पादित करने का तरीका, और तरीका यानी कैसे उत्पादन किया जाए, ये जो समस्या है ये मुख्य रूप से वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन की तकनीक के चयन से संबंधित है। तो पहला जो ऑप्शन है नहीं हो सकता है, ये भी नहीं है, और लास्ट वाला तो बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर है तकनीक के चयन से संबंधित है। और दो तरीके की तकनीक है, ये भी बता दूं, श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा डीप में समझना चाहते हो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, आपको मैंने बहुत अच्छा समझा रखा है मेरी बहुत पुरानी वीडियो से। अब आपको ये भी आ गया 11वां। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। देखिए 12वीं क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दिए गए रेखा चित्र 12 में संसाधनों का अकुशल प्रयोग दर्शाता है। देखिए ये जो पी ये जो हमारा पीपी लाइन है, ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी कर्व है। अब इसमें देखिए ए और बी है ना, ये तो कुशल प्रयोग दिखा रहे हैं, जितना संभावित है ना, जितनी संभावना थी उत्पादन करने की हमने उतना उत्पादन कर लिया, सिंपल सी बात। क्योंकि सीमा पीपीसी कर्व में जितना एक्सपेक्टेशन होती है प्रोडक्शन की, उतना ही जो रियल में आता है प्रोडक्ट उतना ही आता है, इक्वल आता है। अगर कम रह जाता है, देखिए यहां पे जो ऑप्शन दिया है अकुशल, अकुशल ए तथा बी द्वारा, ए तथा बी द्वारा तो कुशल दिखाया जा रहा है, डी द्वारा ये तो अति कुशल दिखाया जा रहा है, ज्यादा और ज्यादा दिखा रहा है ये तो, सी द्वारा, देखिए ये सी पीपीसी कर्व के अंदर है, तो यही हमारा सी आंसर है। सी और डी नहीं हो सकता, डी तो बाहर का है, तो हमारा सी आंसर है। आपको समझ में आया होगा। अगर ए और बी की बात करें, ये कुशल को दिखा रहा है, डी को अति कुशल दिखा रहा है, और सी अकुशल दिखा रहा है। आपको तीनों ही बातें मैंने समझा दी। अब बात करते हैं हम 13वें क्वेश्चन की। जो 13वां क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक अर्थव्यवस्था पीपीसी पर प्रचालन कर रही होती है तो इससे प्रकट होता है, इससे क्या प्रकट होता है? देखिए जो सरकार है उस देश की, जो संचालन कर रही है वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण कर रही है, वो किस पे कर रही है? पीपीसी कर पे। और पीपीसी कर में मैंने अभी आपको ये बात बताई कि दोनों ही क्या होते हैं, बराबर, जितना एक्सपेक्ट किया जाता है, जितना संभावित होता है, उतना ही उत्पादित वास्तविक होता है। तो देखिए संभावित ज्यादा हो और वास्तविक कम हो ऐसा तो नहीं है, या संभावित कम उत्पादन हो और वास्तविक ज्यादा हो ऐसा भी नहीं है, और इनमें से कोई तो ये है ना संभावित, जो कि भी बराबर, दोनों ही बराबर है, यानी जितना एक्सपेक्टेड किया था, जितना हमने अनुमानित किया था, उतना ही हमने प्राप्त भी कर लिया। आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम 14वां क्वेश्चन। भाई चित्र 12 में, ये जो चित्र 12 है, ये देखिए ये जो चित्र 12 है, चित्र 12 में उत्पादन का अप्राय संयोग उत्पादन संभावना वक्र में दर्शाता है। तो देखिए इसका जो आंसर है प्रयोग, मतलब हम जो प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, देखो हम सी को ही प्राप्त कर सकते हैं, या सिंपल सी बात है भाई, ज्यादा की तो छोड़ो, ये डी तो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बट सी तो प्राप्त कर सकते हैं, सिंपल सी बात। अगर हम मान लीजिए किसी फैक्ट्री में 10 वस्तु बनाते हैं, तो 10 तो हम बनाते ही है, हम 8 ही बना सकते हैं, 7 ही बना सकते हैं, तो कम करना तो बहुत ही सिंपल है, ए और बी भी कर सकते हैं, इस ये तो है ही भाई, सिंपल सी बात, ये तो अटेंडेबल है, डी नहीं अटेंडेबल। तो देखिए यहाँ पे ए और सी कहना गलत होगा, क्योंकि बी भी है, बी कहना ही गलत होगा, ए बी और सी ये कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अटेंडेबल, क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हमारा 15वां। संसाधनों में वृद्धि यानी संवृद्धि का अर्थ होता है उत्पादन संभावना वक्र का बाई ओर खसकना, दाई ओर खसकना, बाई ओर घूमना, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर मैं उत्पादन संभावना वक्र बनाऊं, यहाँ पे अगर ये दाईं ओर खिसकते हैं, क्योंकि ये मूल बिंदु से दूर जा रहे हैं, अगर ये मूल बिंदु है, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये मूल बिंदु है जहाँ पे एक्स और वाई दोनों है, अगर कोई भी चीज़ मूल बिंदु से दूर जाएगी, क्योंकि आप भूल जाते हो ये बात कि पता नहीं दाएं जाता था बाएं जाता था, अब सिंपल सी बात ध्यान रखिए, मूल बिंदु से दूर जा रहा है, तो जीरो से दूर जा रहा है यानी बड़ी वैल्यू है, तो यानी ये होती है वृद्धि, दाईं ओर होता है खिसकना वृद्धि का सूचक, और सॉरी दाईं ओर, और लेफ्ट हैंड साइड यानी लेफ्ट में घूम आता है तो इसका मतलब होता है कमी, यानी संसाधनों में वृद्धि दर्शाता है दाईं ओर, और संसाधनों में कमी दर्शाता है बाईं ओर,
और संसाधनों में घुमाव दिखाता है तकनीक में सुधार। सिंपल सी बात, आपको ये बात समझ में आई होगी, ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं हम जल्दी से 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या है, जिस भूमि पर 80 टन गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है, उस भूमि पर 100 किलो चावल उत्पादित करने की अवसर लागत क्या होगी। देखिए मैंने आपको बताया था कि सीमांत अवसर लागत क्या होती है। देखिए मेरे पास 100 एकड़ जमीन है, ठीक है, 100 एकड़ जमीन पे मैं 80 टन गेहूं का उत्पादन कर रहा हूँ, बट मैं अगर सारा गेहूं काट देता हूँ और उस पर मैं चावल लगाता हूँ तो मुझे 100 टन मिलेगा। मुझे कितना टन मिलेगा? 100 टन चावल मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 100 किलो चावल प्राप्त करने के लिए, 100 टन चावल प्राप्त करने के लिए मैंने 80 टन गेहूं को त्यागा, क्योंकि भैया मैं चावल के ऊपर गेहूं नहीं लगा सकता, गेहूं के ऊपर चावल नहीं लगा सकता। चावल लगाऊंगा तो गेहूं नहीं लगा पाऊंगा, और गेहूं लगा पाऊंगा तो चावल नहीं लगाऊंगा पूरे 100 एकड़ पर। मान लीजिए मैंने एक उदाहरण दिया, तो भैया सिंपल सी बात कि 100 एकड़ चावल प्राप्त करने की जो अवसर लागत है वो 80 टन गेहूं है। भाई 100 किलो चावल गेहूं तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 80 टन है, आपको बताई मैंने। क्योंकि सीमांत अवसर लागत मैंने बताया था कि किसी संसाधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ थे आगे गए मूल्य को अवसर लागत कहते हैं। जैसे एग्जांपल, ये पेन, ये मार्क, सॉरी ये स्केच कलर मेरा क्या है, एक संसाधन है। मुझे कोई 2 रुपये ले दे रहा है, कोई 3 दे रहा है, कोई 4 दे रहा है, कोई 5 दे रहा है, किसको बेचूंगा? 5 वाले को, तो 4 को तो मना करना पड़ेगा ना, तो 4 उसकी क्या हो गई? सीमांत अवसर लागत। तो दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए मूल्य को सीमांत अवसर लागत कहते हैं, क्योंकि पहला तो कोई नहीं त्यागता, पहले ही सब प्राप्त करते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी ये बात। अब बात करते हैं हम 17वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं जो डायग्राम से आपसे पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं। तो देखो, दिए गए रेखा चित्र 13 में पीपी जो उत्पादन संभावना वक्र यानी पीपीसी कर्व है, बिंदु ए पर सीमांत अवसर लागत। मैंने आपको बताया था कि सीमांत अवसर लागत, ये जो सीमांत अवसर लागत है वो वाई वस्तु की हानि, मेन वर्ड है वाई वस्तु की हानि, और एक्स वस्तु का लाभ। लाभ नीचे होता है, हानि ऊपर होती है। तो भैया सिंपल सी बात, ये वाई वस्तु है, भाई ओ वाई क्या दर्शा रहा है? वाई वस्तु। तो यहाँ पे इधर से चक्र की, तो ये देखिए पहले यहाँ था, अब ये आ गया, तो ए बी हो गया ना, ये ए बी, और हमें लाभ कितना मिला, ये एक्स। तो देखो एल से एल टू, और ये हो गया पी टू से पी वन, तो ये दर्शा रखा है ए ए बी, ये मैंने ए है तो ये ए बी हो गया ए बी, और ये क्या हो गया बी सी। तो देखो बी सी तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं है, कोई नहीं, हमारा आंसर है ये, क्योंकि देखो ए बी हमारी हो गई हानि और बी सी हो गया हमारा लाभ। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सीमांत अवसर लागत का अर्थ होता है कि जितना एक्स वस्तु की इकाइयों को प्राप्त करने के लिए हम जितना वाई वस्तु की इकाइयों को त्याग करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो उन दोनों के अनुपात को ही हम सीमांत अवसर लागत कहते हैं। और सबसे मेन चीज बात, एक्स वस्तु हम कब प्राप्त कर पाएंगे? जब वाई वस्तु को त्याग करने के लिए तैयार होंगे। तो त्यार आपको त्यागने पहले पड़ता है, इसलिए ऊपर होता है, और फिर जाके आपको लाभ प्राप्त होता है। ये बात आपको समझ आई? देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हानि ऊपर क्यों, पहले अगर एक किसान है तो उसको पहले गेहूं काटना पड़ेगा, या पहले बिना काटे पहले ही चावल लगा देगा? नहीं ना, पहले उसे गेहूं काटना पड़ेगा, इसलिए वाई वस्तु की हानि पहले आएगी और फिर वो चावल उगाएगा तब उसे प्राप्त होगा, तो एक्स वस्तु का लाभ नीचे आएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं हम 18वें क्वेश्चन को, कि पीपीसी एक सीधी रेखा होती है, अगर सीमांत अवसर लागत की स्थिर है घटती है। देखो ये जो पीपीसी कर्व है, ये कब हमारे एक सीधी रेखा होगा, मतलब ऐसे होगा बिल्कुल सीधा एक्स एक्स के समांतर। ऐसा तो तभी हो सकता है जब सीमांत अवसर लागत स्थिति की स्थिति में क्या हो, बढ़ती हो, नहीं ऐसा नहीं है, स्थिर हो, यह है ना स्थिर। तो जब बढ़ेगा, अगर मान लो सीमांत अवसर लागत बढ़ेगी तो ये तो ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, और ये घटेगा, घटने में तो घटता ही है, आपको पता है बढ़ती है तो ये ऐसे ही जाता है, ऐसे ही जाता है, ठीक है, और घटता तो है ही नहीं, सीमांत अवसर लागत कभी घटती तो है ही नहीं, और स्थिर होगा तो ये पैलर हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी 18वां।
क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम 19वां क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए, निम्नलिखित तालिका में एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था के क्रिकेट के बल्ले और साड़ियों के उत्पादन की संभावना प्रदर्शित कर रखी है। अब यहाँ पे दे रखा है क्रिकेट के बल्लों का उत्पादन हजारों में और साड़ियों का उत्पादन लाखों में, 0, 75, 1, 70, 2, 72, मतलब समझ रहे हो आप ये बात। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है यदि क्रिकेट के बल्लों का उत्पादन 3000 से बढ़ाकर 4000 कर दिया जाए तो उत्पादन अर्थव्यवस्था को साड़ियों के कितने उत्पादन का त्याग करना पड़ेगा। देखिए फिर द्वारा, देखिए जब तक वो साड़ी का उत्पादन त्याग नहीं कर पाएगा तब तक उसका लेबर और उसकी जो मशीनें हैं वो बैट का नहीं कर पाएंगे और कैपिटल भी तो लगेगा, पैसा भी तो लगेगा, सिंपल सी बात। तो पहले त्यागना पड़ेगा फिर उसको प्राप्त करेगा। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे इस टेबल को देखिए, 3 से 4 बोल रहा है। तो देखिए आप साड़ी पहले 50 पे थी, 3 पे, फिर 4 पे अगर वो उत्पादन 3 से 4 का देता है बल्लों का हजारों में, तो देखिए 20 का, 50 से 30 हो गई, यानी 20,000 साड़ियों का उसको क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तभी वो 1000 नए बल्ले अधिक उत्पादित कर पाएगा। क्यों? क्योंकि संसाधन सीमित हैं, उनका वैकल्पिक प्रयोग है और आवश्यकताएं असीमित हैं। ये जो 3 बातें हैं ना, ये बहुत मेन है अर्थशास्त्र की, ठीक है, याद रखना आप ये बात। तो इसका आंसर है 20 लाख साड़ियों का, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं, पीपीसी के नतोदर होने का अभिप्राय है बढ़ता ढलान, घटता ढलान, स्थिर ढलान और इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखो ये नतोदर क्यों होता है, क्योंकि ढलान बढ़ता रहता है। आपको ये बात पता है, लग गई, ये एक बार चेक कर लेता हूँ, शायद मैंने गलत तो नहीं बता दिया है। 20A बिल्कुल ठीक बताया है, हाँ जी मैं अपने आप को टेस्ट करता हूँ, तो मैंने चेक किया कि शायद मैंने गलत ना बता दिया, बढ़ता है क्योंकि जब पीपीसी कर नतोदर क्यों होता है, मैंने आपको बताया ना, क्योंकि सीमांत अवसर लागत बढ़ती है यानी उसका ढलान बढ़ता है। ढलान ऐसे बढ़ता है ना, क्योंकि हमें अगर एक्स वस्तु की ज़्यादा इकाई चाहिए तो हमें वाई वस्तु का अधिक त्याग करना पड़ेगा। आप देख भी सकते हो कि 1000 बल्लों को प्राप्त करने के लिए 20 लाख साड़ियों को त्यागना पड़ा। तो सिंपल सी बात है, आपको ये बात समझ आ गई है, बहुत ही सिंपल है। अब बात करते हैं हमारा 21वां क्वेश्चन। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा पीपीसी कर्व है उसमें दो ही स्थिति में परिवर्तन होता है, या तो उसमें खिसकाव होता है या तो उसमें घुमाव होता है। खिसकाव होता है यानी शिफ्ट होता है राइट साइड या लेफ्ट साइड। देखो राइट साइड कब होता है, बहुत ही सिंपल, अगर ये मेरा पीपीसी कर्व है, राइट साइड यानी जीरो से दूर जाना जब संसाधनों में वृद्धि होगी, जीरो के करीब आ रहा जब संसाधनों में कमी होगी, और दूसरा होता है घुमाव। और घुमाव कब होता है, जब एक्स या वाई दोनों में से किसी एक की तकनीक में सुधार हो जाए या खराबी आ जाए। अगर दोनों में सुधार आएगा तो तब भी खिसकाव होगा, दोनों में खराबी आएगी तो भी खिसकाव होगा। अगर दोनों की तकनीक में सुधार आएगा तो राइट हैंड साइड खिसकाव होगा, और दोनों की तकनीक में मतलब खराबी आएगी तो राइट हैंड साइड होगा, बट अगर एक में आएगा ना तो तब घुमाव होगा। आपको ये बात समझ आई, जैसे मैं इसको डायग्राम बनाता हूँ थोड़ा सा। देखिए मान लीजिए हमारी एक्स वस्तु है, ये वाई वस्तु है, ये मूल बिंदु है। अगर एक्स वस्तु की तकनीक में वृद्धि हुई तो ये देखिए जीरो से दूर जाएगा, जीरो से दूर जाना यानी सुधार हो रहा है। अगर जीरो के करीब आ रहा है तो यानी सिंपल सी बात है, खराबी आ रही तकनीक में ऐसी वाई वस्तु के लिए। आपने समझ लिया, तो इस क्वेश्चन को अब आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि चित्र 14 में पीपीसी कर्व का ए बी वन की ओर घुमाव दर्शाता है। यानी देखो एक्स वस्तु जीरो पहले थी ओ बी, अब क्या हो गई, ओ बी वन यानी जीरो से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। तो यानी एक्स वस्तु की तकनीक में क्या हो जाएगी, सुधार। तो बी वस्तु, ये जो बी वस्तु है, वस्तु बी की तकनीक में सुधार, इसका यही करेक्ट आंसर है, आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 के। आप इसको ना देखें, पहले आप खुद भी गैस करने की कोशिश करें। देखिए भाई सिंपल सी बात, 22 के रूपांतरण वक्र का आकार परिवर्तित होता है अवसर लागत के कारण, कुल लागत के कारण, सीमांत अवसर। देखिए बहुत ही सिंपल, ये जो घुमाव आता है ये किसके कारण आता है भाई,
सीमांत अवसर लागत के कारण जो कि बढ़ती है, और सीमांत अवसर लागत के कारण ही ये परिवर्तन आता है, और सीमांत अवसर लागत के कारण ही ये जो पीपीसी कर्व है ये कैसा होता है, अवतल होता है, यानी कॉनकेव होता है टूवर्ड्स दी ओरिजिन, है ना। आपको बात समझ आ गई होगी, ये मैंने बात समझा दी थी पहले ही। अब 23वां क्वेश्चन देखते हैं। जब कुछ संसाधनों का प्रयोग एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में हस्तांतरित किया जाता है तो तकनीक के दिए होने पर तब रूपांतरण की सीमांत दर भाई एक से दो में, तो भाई सिंपल सी बात है, बढ़ती है। मैंने आपको बताया था अगर आप चावल से गेहूं करते हो तो आपको पता ही है बढ़ती है, घटती तो है नहीं, स्थिर नहीं रहती है, शून्य भी नहीं होती है। अगर आपको चावल चाहिए तो गेहूं का अधिक त्याग करना पड़ेगा, ये बात आप समझिए। अब ये बात भी क्लियर हो गई आपको। अब 24वां क्वेश्चन देखिए। जब वस्तु एक्स के उत्पादन में 500 इकाइयों में कमी होती है तब वस्तु वाई के उत्पादन में 500 इकाइयों में वृद्धि होती है, तब कुछ संसाधनों का एक्स के उत्पादन से वाई के उत्पादन की ओर हस्तांतरण किया जाता है तो सीमांत अवसर लागत, देखिए एक्स में कितने का लाभ होगा और हानि हुई 500 की, वाई में मतलब एक में हानि हुई एक में वृद्धि, तो 500 को 500 से काटोगे तो कितना मिल जाएगा, एक मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, ये तो डी आंसर है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मैंने दो पार्टों के अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारा समझाया है। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा है और आप चाहते हो कि मैं भविष्य में और भी वीडियो बनाऊं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत, और पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।